सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मैं हंडिया की बनी सब्जी खाती। हमारा तो यही करना है, यही खाना है, हमारा और कोई कारोबार नहीं है। 40 माल नहीं आने का, तो हमारा जब माल ज्यादा बिकेगा तो हमें लाभ होगा, हमें भी हमारी तरक्की हो जाएगी थोड़ी सी। मिट्टी के बर्तन पूजा में बहुत मतलब इनका उपयोग होता है, पूजा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। दीपावली में भी मिट्टी के दिए लेना ज्यादा अच्छा रहता है, मैन मेड होते हैं। मैं तो मिट्टी के बर्तनों को ही प्रमोट करती हूँ। एक तो बीमारी नहीं होती, ये नेचुरल रहता है, तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। दूर से दिल्ली से आए हैं और ये अच्छे लगे हमें बर्तन, तो हम इसीलिए लेके जा रहे हैं ताकि हमें ये कोरोना वगैरह ना हो। हमारी राय तो ये है, चाइना का सामान ना खरीद के हमारे कुमार भाइयों का सामान खरीदा जाए। घड़े का ही पानी पीना चाहिए, सकोरों में चाय पीनी चाहिए। मैं हंडिया की बनी सब्जी खाती। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। सारे देश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने घरों को, अपने प्रतिष्ठानों को सजाने में लगे हैं, अपने घर को, प्रतिष्ठानों को जगमगाने में लगे हैं, क्योंकि दीपावली जो त्यौहार है वो रोशनी का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। रोशनी के साथ साथ सभी के साथ सुख समृद्धि से ये लोग त्यौहार मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा तबका जो सारे वर्ग, जो सारे भारतवर्ष को रोशनी देता है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ कुम्हार वर्ग, शिल्पकार वर्ग की, जो मिट्टी के बर्तनों को आकार देकर दीपक के रूप में, घड़े के रूप में आदि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को एक आकार देकर हमारे घरों को रोशन करते हैं, या हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो उनके द्वारा निर्मित होती हैं। लेकिन दीपावली पर हम उन्हें याद करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी समस्याएं हैं वो हमें नहीं पता होती हैं, वो उन्हीं के साथ दबकर रह जाती हैं। आज मैंने बात करने की कोशिश करी कुमार वर्ग से, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं हमसे, खासकर इस रोशनी के पर्व पर, जहां पर वो सारे घरों को रोशन करने वाले एक माध्यम बनते हैं, अपने हाथों से एक मिट्टी की बर्तन को आकार देते हैं और हमारे सपनों को साकार करते हैं। तो उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूं, और मिट्टी के बर्तन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और कितने स्वास्थ्यवर्धक हैं, इस विषय पर भी आज मैं बात करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया चैनल पे। आज हम आए हैं आपके पास जानने की क्या आपके समस्याएं रहती हैं। समस्या क्या है, हमारा तो यही करना है, यही खाना है, हमारा और कोई कारोबार नहीं है, तो अपना अपना खर्चा चल जाता है, बस खर्चा निकल जाता है। खर्चा तो कुछ नहीं है, बस अपना खाने पीने का खर्च चल जाता है, मतलब रोजमर्रा का जो जीवन है बस उतना ही व्यतीत हो पाता है। हाँ, उतना ही होता है। अच्छा, जोड़ नहीं पाते। तो हर घर में लोग दीपक खरीदते हैं, लोग दीपक जलाते हैं जी, तो इससे आपके कारोबार में कुछ लाभ होगा? लाभ ये होगा, जब मतलब ये 40 माल नहीं आने का, तो हमारा जब माल ज्यादा बिकेगा तो हमें लाभ होगा। हम जानना चाहेंगे कि क्या आप मिट्टी के बर्तन यूज करती हैं? मिट्टी के बर्तन पूजा में बहुत मतलब इनका उपयोग होता है, पूजा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं जी। दूसरी बात, अगर हम इनमें पौधे लगाते हैं जी, तो पौधे प्लास्टिक के पॉट्स के बजाय मिट्टी के बर्तनों में अगर लगाए जाएं तो बहुत अच्छे पौधे होते हैं जी। तो इसलिए मैं तो मिट्टी के बर्तनों को ही प्रमोट करती हूँ। और अगर दीपावली में भी मिट्टी के दिए लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, मैन मेड होते हैं। दूसरी बात ये कि कैंडल्स वगैरह अगर हम लगाते हैं तो वैक्स वगैरह यूज़ होता है, ये नेचुरल रहता है, तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। आप भी शायद मिट्टी के बर्तन खरीदने आए हैं जी। तो ऐसा क्या है जो आप मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं, या देश के कुम्हारों के बारे में आपकी क्या राय है, उनके बर्तनों को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, क्या खरीदना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो बीमारी नहीं होती, इसमें खाते हैं तो इससे बीमारी नहीं होती जी। क्योंकि और जो ये प्लास्टिक के बर्तन, इनसे बीमारियां होती हैं, और इसीलिए हम बहुत दूर से दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ये अच्छे लगे हमें बर्तन, तो हम इसीलिए लेके जा रहे हैं ताकि हमें ये कोरोना वगैरह ना हो। जैसे अब दीपावली का पर्व है जी, लोग चाइनीज सामान ज़्यादा खरीदते हैं, तो आपकी क्या राय है, आपसे जानना चाहेंगे? हमारी राय तो ये है, चाइना का सामान ना खरीद के हमारे कुमार भाइयों का सामान खरीदा जाए जी। और हमारी ये सब जो है खाना वाना भी इसी में बनना चाहिए जी, तो इसे ही खाना चाहिए, हमें इसी में खाना चाहिए, ये फ़ायदा भी देता है जी। और हमारे उनकी कुमार भाइयों की तरक्की भी होएगी, काम भी पिछड़ गया है, काम को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सी चीज़ है।
जी हम चाहते कि अच्छी हो हमारी दिवाली जी। जी अब मिट्टी का बर्तन खरीदे कभी चीज चाइना की खरीदे है, हमारा तो नहीं खरीदा जाता है इतना, और कमी पैसों से हमारा तो कमी सब कमी पैसों से खरीदते हैं, हमारा से बीमारी नहीं पैदा होती है इससे। पहले कुम्हार थे तो उन्हें सब्जी वो नहीं होती थी, गैस नहीं बना था, और आप कुम्हार की खामा तो गैस बना। यानी कि जो अब जो स्टील के बर्तन आ रहे हैं हाँ। या जो और बर्तन आ रहे हैं नॉन स्टिक हाँ। उनमें खाना बनाने से आदमी हाँ। में बीमारी जा रही है, तो मिट्टी के बर्तन खाना बनाने से आदमी हाँ। में बीमारी नहीं होती है ना। और फिर घड़े का पानी पीना चाहिए, घड़े का ही पानी पीना चाहिए, सकोरों में चाय पीनी चाहिए। मैं हंडिया की बनी सब्जी खाती। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक बड़ी अनुभवी है, क्या नाम है आपका जानना? फूलपति। फूलपति जी, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि ये मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना खाती हैं और आज तक स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है इनको। उम्र है आपकी? 15 कम, यानी कि 85 साल की उम्र है आपकी। ये देखिए 85 साल की उम्र है इनकी और अभी तक कोई बीमारी नहीं है इनको। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार भी कह रही है कि अपने देश की निर्मित चीजों को अपनाएं। वोकल फॉर लोकल, ये मुहिम सर्च इंडिया ने पहले भी चलाई थी और हमेशा इस चीज को समर्थन देता है सर्च इंडिया। तो अपने देश के द्वारा निर्मित चीजों का उपयोग करें और अपने देश को समृद्ध करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज़।